अरण्य कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसया को, शरभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त्य जी के भ्राता अग्निजीव मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जा उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जनस्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वो काम के अधीन हो गई और बोली। शूर्पणखा ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं, तो मैं इन दोनों को अभी खाए लेती हूँ। ऐसा कहकर वो उन्हें खा जाने को तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और दोनों कान भी काट लिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई, इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मुझे राम का, उसकी पत्नी सीता का और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिशिरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई की। श्री राम ने भी उन सब का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बींधना आरंभ किया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लंका में गई और रावण के सामने जा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भर के रावण से कहा, अरे, तू राजा और रक्षक कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले, मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूंगा, यदि मेरी बात ना मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु हैं। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊंगा तो श्री राम के हाथ से। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वो मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार आने जाने लगा। तब सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा करके उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हा हा सीते, हा हा लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपने इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृधराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसियों की ओर देख कर कहा, निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी जब मारीच को मार कर लौटे तो लक्ष्मण को आते देख बोले, सुमित्रानंदन, वो मृग तो मायामय था, वास्तव में वो एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गए इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया। श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए किंतु वहां सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे, हा प्रिय जानकी, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई। लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम कर सीता की खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने ये कहकर कि सीता को रावण हर ले गया है प्राण त्याग दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध से शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए।
किष्किंधा कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां वे शबरी से मिले, फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी ने सबके देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बींध डाला और दुदुम्भी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु वाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों का साम्राज्य रूमा एवं तारा इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदनंतर किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव नहीं दिखाई दिए, तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो वाली मरकर जिस मार्ग से गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतएव वाली के पथ का अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवन, मैंने सब वानरों को बुला लिया है, अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादी दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें, जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। ये सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर 1 ही मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे, धन्य है वो जटायु जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया। उनकी ये बातें संपाति नामक गृध के कानों में पड़ी। वो वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था, वो मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था, मैंने अपनी पांखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वो तो सकुशल बच गया किंतु मेरी पांखें जल गई, इसलिए मैं यही गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं, लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, यहाँ से वहां तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। ये जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाएं और उन्हें सब समाचार बता दें।